नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सलोनी। चलिए रुक करते हैं समाचार की ओर। श्री गंगानगर के नए मंत्री धड़साना मुखिय बीएसएफ परिसर के सामने आनंद होटल व पेंसिया प्रॉपर्टी डीलर कार्यालय का उद्घाटन जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा व एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने किया। अतिथियों का पगड़ी पहनाकर व माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक सोनी के सुपुत्र का जन्मदिवस भी भव्य तरीके से मनाया गया। जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा व एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने दोनों संस्थाओं की सफलता की कामना की। इस दौरान कार्यक्रम के मार्गदर्शक व संचालक कांग्रेस यूथ नेता कालू पेंसिया ने आए हुए तमाम आगंतुकों का धन्यवाद व आभार जताया। वहीं आपको बताते हैं कि कालू राम पेंसिया इलाके के यूथ आइकॉन भी माने जाते हैं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि पंचायत समिति अनूपगढ़ प्रधान प्रतिनिधि गोपाल डागला, कांग्रेस वरिष्ठ नेता हरसुख चौधरी, कांग्रेस नेत्री रामदेवी बावरी, जिला परिषद सदस्य दिलीप मेधवाल, सरपंच संदीप ढिल्लो, समाजसेवी गुरमोहन, व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन सिंह दुग्गल, पंचायत समिति सदस्य सुभाष जलंधरा, पिंकी गौड़, रमन बराड़, संदीप ठेकेदार आदि मंच पर उपस्थित रहे। इस दौरान जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा व एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने कहा कि इलाके में भव्य प्रतिष्ठान के संचालक कालू राम पेंसिया हमेशा दिन रात चौगनी तरक्की करें। उन्होंने कहा कि हमारा साथ और सहयोग हमेशा इनके साथ है। आवाज़ न्यूज़ राजस्थान के लिए श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ से डीएल सारस्वत की खास रिपोर्ट। मार्गदर्शित करें, आगे बढ़ाएं, नए नौजवानों को जोड़ें, क्योंकि छात्र राजनीति से जो शुरुआत होती है। हम हमारे यहाँ सभी लोग यहाँ आज इस शुभ अवसर पर पधारे हैं, सभी का यहाँ है। बीएसएफ के इस बीएसएफ समान प्रतीक